ये है वो जगह जहां से मैं हर रोज आपसे मिलूंगा। आपने बिल्कुल सही पहचाना, मैं हूं आज तक के स्टूडियो में। मुआवजा लगाने क्यों चीनी न पाई? वीडियो में जूतों की माला पहने ये युवक कोई चोर या डकैत नहीं है, ना ही इसे किसी आशिकी की सजा मिली है। लेकिन इस युवा नौजवान ने जो काम किया है उसके बाद ग्रामीणों ने इसका इस कदर स्वागत किया कि अब ये सोशल मीडिया के भरे बाजार में वायरल है। दरअसल मामला है महाराजगंज जिले के कोल्हुई थाना क्षेत्र का, जहां पर एक युवक को पहले तो जूतों की माला पहनाई गई, इतना ही नहीं उसके साथ मारपीट भी की गई और चेहरे पर कालिख पोत कर पूरे गांव में घुमाया गया। आरोप है कि महाराजगंज जिले में युवक द्वारा नशीला पदार्थ खिलाकर महिला के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने न सिर्फ युवक के चेहरे पर कालिख पोती बल्कि उसे जूते चप्पलों की माला तक पहना दी और इसके बाद पूरे गांव में उसे घुमाया गया। मौके पर मौजूदा लोगों ने इस पूरी घटना का वीडियो भी बनाया। वहीं वीडियो में युवक रहम मांगता हुआ दिख रहा है, लेकिन लोगों ने उसकी एक नहीं सुनी और जमकर धुनाई भी कर दी। वहीं इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद महाराजगंज के डिप्टी एसपी अनुज सिंह ने बताया कि उनके पास भी युवक से की गई बर्बरता का ये वीडियो पहुंचा है। वीडियो के आधार पर लोगों की पहचान की जा रही है। डिप्टी एसपी ने कहा कि इस घटना में शामिल लोगों के खिलाफ अब कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और सभी तथ्यों की जाँच भी की जाएगी। जनपद महाराजगंज से संबंधित एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति के मुंह पर कीचड़ एवं काली कूद कर तथा गले में जूते की माला पहनाकर उसे टहलाया जा रहा है। जब वीडियो की जांच की गई तो मामला थाना कुलवी की ग्राम सुंदरपुरी कुंड से संबंधित निकला, जिसमें मामले का संज्ञान लेते हुए अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। महाराजगंज से अमितेश त्रिपाठी की रिपोर्ट, यूपी तक।